हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी रेलगाड़ी की बिना रुके गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह एक घंटा में कितना मिनट रुकेगी। देखिएगा, अगर वो बिना रुके चलेगी तो एक घंटा में कितने चलेगी, 60 किलोमीटर की चाल है तो एक घंटा में 60 चलेगी। अगर वो रुक के चलेगी, कहीं पे 2 मिनट रुकती है, कहीं पे 4 मिनट रुकती है, जैसे आपकी जो रेलगाड़ी है किसी स्टॉप पे रुक गई, टाइम था 2 मिनट का लेकिन 3 मिनट रुक गई, 4 मिनट भी रुक जाती है, तो अगर ऐसे रुक रुक के चलेगी वो क्या करती है, 40 की चाल है, रुक रुक के चलने पे एक घंटा में वो 40 चलेगी। भाई देखिएगा, याद रखना, जितनी उसकी चाल होती है एक घंटा में वो उतना ही चलती है। अगर 40 की चाल है तो एक घंटा में 40 चलेगी, 80 की चाल है तो एक घंटा में 80 चलेगी, याद रखना। अब देखिएगा, जब 60 किलोमीटर की चाल थी तो एक घंटा में 60 चली, और जब 40 की चाल थी तो एक घंटा में 40 चली, तो यहां पे वो 60 से 40 चली है तो कितना रुक गई। भाई देखो, एक घंटा में वो 60 किलोमीटर चल रही थी बिना रुके, उसने बोला बिना रुके, लेकिन रुकने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुकने पर अगर वो बिना रुके चलेगी तो एक घंटा में 60 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन अगर वो रुक रुक के चलेगी तो वो 40 किलोमीटर ही चल पाएगी एक घंटा में, तो उसके जो 20 मिनट हैं वो रुक रुक के चलने पर खराब हो गए। ठीक है, तो वो एक घंटा में कितना मिनट रुकी है, वो एक घंटा में 20 मिनट रुकी है। ये आपका सही जवाब है। लेकिन अगर सवाल कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं, कि जो भी आपकी चाल बिना रुके थी और रुकने पर जो चाल आई है, ठीक है, याद रखना, बिना रुके चाल इतनी है और रुकने पे जो चाल है, दोनों का अंतर कर लेना, 20 आ गया। ठीक है, और जो चाल बिना रुके थी उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जो चाल बिना रुके थी उससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और हमें क्या दे रखा है, एक घंटा में कितना मिनट रुकेगी, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 20 मिनट रुकेगी। समझ में आ गया ना सभी को, 20 मिनट तो सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है तो ए बी बराबर क्या होगा। अब इस सवाल में बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन एक सेकेंड में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे, अगर आपको ये ट्रिक पता है कि अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, बराबर के दोनों पक्षों का वर्ग, बराबर के इधर का भी वर्ग और बराबर के इधर का भी वर्ग, तो ये क्या हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। और ये फिर बराबर का साइन मैं ले लूंगा और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 41 दी गई है, तो मैं इसका मान 41 ले लूंगा, माइनस का 2, ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान हमें निकालना है, ऐसे रहने दो, ये क्या है आपका 25 है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, माइनस का 2ab बराबर ये प्लस का 41 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा, तो माइनस के 41 में से प्लस का 25 घटेगा तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2ab बराबर 16, तो ab बराबर 16, ये गुने में 2 है, इधर आके बटे में 2 हो जाएगा, और 2 से जब 16 में डिवाइड देंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो ab का मान कितना हो गया भैया, ab का मान हो गया 8, और ab का मान ही हमसे पूछा था, तो 8 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x के बटे में √162 बराबर √128 के बटे में x है तो x का मान बताना है क्या है। अब देखिए क्या, जब भी ऐसी संख्या आपको मिलती है बराबर में, तो आप क्या करते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, ठीक है, यानी कि √162 का मल्टीप्लाई आप √128 से ही तो करोगे। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 162 को आप क्या लिख सकते हो, 81 × 2, यही लिख सकते हो ना, यही लिख सकते हो, इंटू 128 को आप क्या लिख सकते हो, 64 × 2। ठीक है, और जब अंडर रूट का मल्टीप्लाई रूट से होगा तो ये पूरी संख्या एक ही अंडर रूट में आ जाएगी।
एक्स स्क्वायर बराबर देखिएगा 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, इंटू 2 का गुना 2 से हो जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 अट्ठे 16, 16 निम्मा 144 होता है, ठीक है, इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 144। अब एक्स बराबर 144, ये जो स्क्वायर है यहां से हटेगा तो बराबर के इधर आएगा, तो बराबर के इधर आके इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देगा, तो एक्स बराबर 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। ये 12 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, एक्स का मान पूछा था जो कि 12 है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अंडर रूट 42.25 का आपको स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से बता दोगे, ये क्या है मेरा इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है मेरा, क्या है इकाई अंक 5। अगर आपने हमारी स्क्वायर रूट निकालने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube पे भी सर्च कर लें, ठीक है, स्क्वायर रूट दशमलव वाले बिना दशमलव वाले सभी बताए हुए हैं, आप अगर पूरा वीडियो वहां से देख लोगे ना तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया 5, ये क्या है मेरा 42, 42 है ना, ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो छोटी संख्या लेंगे हम 6, छोटी संख्या लेंगे 6, यानी कि 6.5 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है यदि x बराबर 3 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2, y बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, z बराबर 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 है, तो एक्स वाई YZ और ZX का LCM ज्ञात करें, LCM भी पूछ सकता है और HCF भी, देखिए कैसे करना है इसको, सबसे पहले XY निकालेंगे, तो XY सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, X और Y में से आप एक संख्या लीजिए, सबसे पहले मैं लूंगा 2, X में भी 2 है और Y में भी 2 है, तो X में 2 है 2 की पावर 2, और यहां पे Y में 2 की पावर 3, तो देखिएगा मैं 2 लूंगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 ले लिया ना, यहां पावर 2 है यहां पावर 3 है, जोड़ दो 5 हो जाएगी पावर, बात समझना मेरी बात को, यहां पे देखिए क्या है मेरे पास 2 की पावर 2, यहां पे क्या है 2 की पावर 3 है, ठीक है 2 की पावर 3 है, अब मैं क्या करूंगा एक्स वाई लूंगा तो 2 की पावर 2 लूंगा, और यहां पे क्या है 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर मेरी 5 हो जाएगी, क्लियर है ना, इनटू अब देखिएगा यहां पे 2 ले लिया, दूसरी संख्या 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, मिलकर के 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब लूंगा वाई जेड, वाई और जेड में से लेना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 मिलकर के 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 मिलकर के 3 की पावर 3। अब लूंगा जेड एक्स, जेड एक्स बराबर अब जेड में से और एक्स में से लेना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मिलकर के 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मिलकर के 3 की पावर 4, ठीक है ये हो गया। अब हमें क्या बताना है एलसीएम, हो गया भाई सवाल इतना ही था, एलसीएम क्या है देखो सबसे ज्यादा पावर किस संख्या के ऊपर है, 2 की पावर 5 सबसे ज्यादा है तो 2 की पावर 5 ले लेंगे, इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी है सबसे ज्यादा, 3 की पावर 4 है सबसे ज्यादा तो 3 की पावर 4 ले लो, बस हो गया आंसर, यही तो एलसीएम है, यही है भैया एलसीएम, जो सबसे ऊपर पावर आई है सबसे ज्यादा उस संख्या को लिखो, दोनों संख्या वही लिखनी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर है। अगर आपसे एचसीएफ पूछता, एचसीएफ तो कैसे करते भैया, देखिएगा सबसे कम पावर किसके ऊपर है, सबसे कम पावर देखना, सबसे कम संख्या आपकी 2 है, सबसे कम संख्या आपकी 2 है, ठीक है, जब सबसे कम संख्या 2 है तो 2 के ऊपर कितनी पावर है, 2 के ऊपर पावर 4 है तो मैं 2 के ऊपर पावर 4 लूंगा, इसके बाद में कौन सी संख्या है 3 के ऊपर पावर 3 है तो 3 के ऊपर पावर 3 है, ये मेरा एचसीएफ हो गया। अगर एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम आप दोनों ही बता पाओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, तो हमें क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, याद रखना, ठीक है ये होता है। अब देखिएगा 1/2 इंटू आधार हमें दिया गया 6 तो 6 ले लेंगे, इंटू ऊंचाई हमें दी गई है 8 तो 8 ले लेंगे, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, ठीक है हो गया सवाल, 8 + 24, 24 + 1=24, सवाल खत्म भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
सभी संख्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर से होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पांच पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं तो समान क्षमता के 8 पाइप टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखिएगा, पांच पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, लेकिन 8 पाइप उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे। यहां तो 8 घंटे में भर रहे थे, यहां कितने समय में भरेंगे नहीं पता। हो गया सवाल, 8 से 8 कैंसिल, इधर बचा 5, इधर बचा x, सवाल खत्म। कितने घंटे में भरेंगे, 5 घंटे में भरेंगे। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात 1, 2, 3 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो कुल धन ज्ञात करो। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, यही तो दिया गया। इनका अनुपात है आपके पास 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये आपके पास इनका अनुपात दिया गया। लेकिन आपको एक बात कही गई है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के 80 हैं, याद रखना। जब 50 पैसे के सिक्के आपके 80 हैं, 50 पैसे अनुपात में कितने हैं, 2, और 80 हैं, तो 2 की वैल्यू 80 के बराबर है, याद रखना। 50 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनाएंगे, है ना, और 80 सिक्के होंगे तो कितने रुपया बनाएंगे, 40 रुपया बनाएंगे। तो आपके पास इसका मतलब 50 पैसे के 40 रुपया है। बिल्कुल उसी तरीके से याद रखना कि 1 रुपया के आपके पास, यहां पे याद रखना, 1 रुपया जब आपके पास 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो 40 रुपया बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनाएंगे, वो 40 बनाएंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, ये 2 सिक्के है ना, अनुपात में 2 है और संख्या में कितना है, 80। 50 पैसे अनुपात में 2 है, संख्या में 80 सिक्के हैं, तो 2 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो उसी तरीके से मेरी 1 की वैल्यू 40 है तो कितने रुपया बनाएंगे, ये 40 बनाएंगे। जब 1 की वैल्यू 40 है, 2 की वैल्यू 80 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो यहां 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 25 पैसे के जब आपके पास 120 सिक्के होंगे तो वो कितना रुपया बनाएंगे भैया, 30 रुपया बनाएंगे। तो 40 रुपये ये, 40 रुपये ये, 80, 80 में जोड़ दो 30, तो कितना धन हो गया, 110 रुपया हो गया। बस यही आपका आंसर है, समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो गया तो उसकी दर क्या है, वो हमें पता करना है। देखिएगा, एक तो है आपका मूलधन और एक होता है आपका मिश्रधन। तो मूलधन हमें नहीं पता, मैं मूलधन 1 रुपया मान लेता हूं, लेकिन वो 1 रुपया मेरा कितना हो गया, 8 गुना हो गया, मतलब 8 रुपया हो गया, ठीक है। कितने समय में हुआ ये, 3 वर्ष में। ये कितना हुआ, ये 3 वर्ष में हुआ है, तो उसकी दर क्या है। देखिएगा ध्यान से, 3 वर्ष में हुआ है ना, 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप याद रखना, क्यूब रूट करेंगे 1 का और इसका भी क्यूब रूट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 का हमें क्यूब रूट करना है और यहां 8 का भी हमें क्यूब रूट करना है, इसको काट देते हैं, ठीक है भाई। 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट करते हैं, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट करते हैं, याद रखना इस बात को। तो 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोई राशि 1 से 2 हो गई तो 1 रुपया उस पर ब्याज मिला, कोई राशि 1 से 2 हो गई तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा भैया, 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। जो दर हमारी कितनी हो जाएगी भाई, सीधा सीधा सिंपल है, जब 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो दर हमारी 100% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 100%, हमने 1 रुपया जमा किया था बैंक में, 1 रुपया जमा किया था बैंक में और 1 से 2 हो गया, यानी कि दुगना हुआ है। 1 रुपया जमा किया था, 1 ही रुपया ब्याज मिला तो 100% ब्याज मिला, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 4, 16 और 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा। ए बी व सी का चतुर्थानुपात, ये समझ लीजिए, ए बी सी का चतुर्थानुपात। तो ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है। इसमें 3 संख्या होती है, चतुर्थानुपात में 4थी संख्या बताई जाती है। तो ए बी व सी का चतुर्थानुपात जब भी आप निकालोगे तो वो बी सी बट्टे ए, बी गुने सी बट्टे ए। तो बी की वैल्यू मेरे पास 16 है, सी की वैल्यू 20 है, बटे में ए की वैल्यू 4 है। 4 से 16 कटेगा, 4 बार में 20 चौके 80, सवाल खत्म।
हो गया आपका आंसर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।